ओ भाई साहब, इरंकल मैप के ऊपर इतना बड़ा AWM, एक शॉट के अंदर पूरा 100 बंदे का लॉबी खत्म होने वाला है। कैसे चलाएंगे इस AWM को? अरे भाई भाई, अब तक तो सिर्फ हमें एरोप्लेन लेके जाता था स्पॉन आइलैंड से मेल आइलैंड तक, पर ये क्या सीन है भाई, हेलीकॉप्टर भी जाने वाला है अब से एरोप्लेन के साथ। क्या है ये चीज? तो भाई 2.0 अपडेट लगता है काफी बढ़िया होने वाला है BGMN एंड PUBG मोबाइल के अंदर। इस वीडियो के अंदर काफी सारे नए फीचर्स देखने वाले हैं। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है, लास्ट तक देखना वीडियो। तो 2.0 अपडेट BGMN PUBG मोबाइल के अंदर काफी सारे चेंजेस लाने वाला है। ऑलरेडी मैं वीडियोस के अंदर काफी सारे टॉपिक को कवर कर चुका हूं, पर इस बार बीटा वर्जन अपडेट के साथ साथ हमें एक नया विंगमैन फीचर देखने को मिला है। एंड इस फीचर को लिया गया है गेम फॉर पीस से। तो देख सकते हो इन्वेंटरी के अंदर विंगमैन का एक ऑप्शन दिया गया है, एंड आपको अब से एक पर्सनल हेलीकॉप्टर दिया जाएगा। इन फ्यूचर आपको हेलीकॉप्टर का भी भर भर के स्किन्स देखने को मिलेगा गेम के अंदर। फिलहाल आप देख सकते हो वेटिंग लॉबी के अंदर इस तरीके से हेलीपैड हमें दिखाई दे रहा है, एंड हेलीपैड के ऊपर हेलीकॉप्टर भी है। इसके अंदर जाके फिलहाल मैं बैठ सकता हूं क्योंकि मेरे पास स्किन नहीं है। एंड ये कांसेप्ट हम पहले भी देख चुके, जिसके पास भी लग्जरी व्हीकल का स्किन है जैसे लैम्बोर्गिनी हो गया, मैकलारेन हो गया, वो लोग लॉबी के अंदर खुद ड्राइव कर सकते हैं, पर दूसरे लोग सिर्फ गेट इन कर सकते हैं, ड्राइव नहीं कर सकते। उस तरीके से हेलीकॉप्टर के अंदर भी अभी हम लोग सिर्फ बैठ सकते हैं, इसको ड्राइव नहीं कर सकते, मेरे पास स्किन नहीं है। पर अगर आपके पास हेलीकॉप्टर का स्किन होगा तो प्लेन के साथ साथ इस तरीके से हेलीकॉप्टर जाने वाला है। तो एक तरीके से कह सकते हो एक शो ऑफ वाला फीचर ऐड किया जा रहा है गेम के अंदर। तो चार बंदों के पास अगर हेलीकॉप्टर का स्किन है तो प्लेन के साथ साथ चार हेलीकॉप्टर जाने वाला है। तो इस तरीके से ये फीचर वर्क करता है, मतलब अगर आपके पास हेलीकॉप्टर का स्किन होगा तो प्लेन के बगल में आपका हेलीकॉप्टर जाने वाला है। एंड देखने में तो काफी बढ़िया लगेगा। फिलहाल जब ये ग्लोबल वर्जन एंड BGMI के अंदर आएगा तो भाई नेक्स्ट लेवल होने वाला है, काफी सारे अमीर लोग इसको लेने वाले हैं। बाकी अगर कम प्राइस के अंदर मिलता है तो हम भी लेने की कोशिश करेंगे, हम शुद्ध गरीब हैं। बाकी आप नीचे कमेंट के अंदर बताना विंगमैन फीचर आपको कैसा लगा है। जैसे कि हम सभी को पता है इस बार भी एक एनिमे सीरीज के साथ कोलैबोरेशन होने वाला है पबजी मोबाइल का। नियोन जेनेसिस इवेंगेलियन एक्स पबजी मोबाइल होने वाला है, जिसके कारण आपको इरंगल मैप के ऊपर देखने को मिलेगा 6 एंजल। तो जितना मुझे यूट्यूब देख के पता चला है 6 एंजल बेसिकली यहाँ पर इसी क्रिस्टल को बताया जा रहा है जो कि इरंगल मैप के अंदर तोड़फोड़ मचाने वाला है। एंड जैसे कि गॉडजिला एंड कॉन्ग मोड हमें देखने को मिला था, उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड ये मोड होने वाला है। कुछ आपको स्पेशल बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगे जिसको ये 6 एंजल तोड़ने वाला है, उसके अंदर आपको भर भर के लूट मिलेगा जैसे गॉडजिला कॉन्ग मोड के अंदर मिलता था। इस मोड के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक काफी बड़ा AWM, भाई काफी खतरनाक लगता है ये देखने में। एंड भाई इसका अगर स्किन आ जाता है तो नेक्स्ट लेवल होने वाला है। एंड AWM भाई काफी खतरनाक है, इसके ऊपर मैं उतरता भी हुआ एंड दौड़ता भी उधर उधर, मजा आ जाता है मेरे को। इतना बड़ा AWM चलाएगा कौन? तो इसके लिए हमें बुलाना पड़ेगा इवेंगेलियन को। इवेंगेलियन कैसे आएगा? तो बेसिकली इरंगल मैप के ऊपर आपको एक बंकर देखने को मिलेगा, एंड रैंडम प्लेसेस के अंदर जोन बनना है इस मोड के अंदर, तो रैंडम जगह के अंदर ये बंकर्स भी आपको देखने को मिलेगा। पर जब ये आपको सेल्टर के साइड में देखने को मिले तभी आपको ये फाइट देखने को मिलेगा जो कि अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इस बंकर के ऊपर एक टाइम पीरियड चलता है, टाइम पीरियड के बाद इस बंकर से निकलता है इवेंगेलियन, काफी जायंट एक रोबोट आप कह सकते हो। यही रोबोट हमें बचाने वाला है 6 एंजल से, एंड हमारे इरंगल मैप को प्रोटेक्ट करने वाला है। एंड ये इधर उधर कूदता दौड़ता रहता है, काफी फनी लगता है देखने में। एंड गॉडजिला जैसे एक पाथ फॉलो करता था उसी टाइप का ये भी एक पाथ फॉलो करने वाला है। एंड ये दौड़ते दौड़ते पहुंच जाएगा इस AWM के सामने, फिर ये खुद AWM को उठाने वाला है। अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं, शुरू होते ही खत्म हो गया यार। फिर ये 6 एंजल को मार देता है एंड अपने नर्स से दौड़ जाता है। मैं इसके पीछे पीछे जाता हूँ एंड एकदम एंड जगह के अंदर जाके देखता हूँ ये गायब हो जाता है। फिलहाल इसका गायब होने का एनिमेशन हमें नहीं दिखाता है, बीटा वर्जन है, पर जब ग्लोबल वर्जन के अंदर आएगा इसका गायब होने का भी एक काफी बढ़िया एनिमेशन हमें देखने को मिल सकता है। भाई मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये कोर सर्कल मोड खेलने के लिए, पर देखना है कि किस टाइप से आता है ग्लोबल वर्जन के अंदर, क्योंकि कोर सर्कल मोड के अंदर जैसा मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया था कि छोटा सर्कल देखने को मिलेगा, बंदा भी कम रहने वाला है, 62 या 63 का लॉबी आपको देखने को मिलेगा
100 बंदे का लॉबी नहीं होने वाला एंड लूट इसके अंदर भर भर के आपको मिलने वाला है। तो देखना है कि ये हमें रैंक इरंगल के अंदर देखने को मिलता है या फिर नॉर्मली किसी अलग मोड के अंदर हमें देखने को मिलता है, ये तो आगे जाके पता चलेगा। पर जितना फर्स्ट लुक के अंदर लग रहा है भाई, काफी खतरनाक मोड होने वाला है कोर सर्कल मोड। तो ऑलरेडी हम लोग गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मोड खेल चुके हैं, उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड हमें ये मोड देखने को मिलेगा। तो मैं उतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ, पर काफी ज्यादा नॉस्टैल्जिक वाला फील आने वाला है। बाकी जितने भी एनिमे लवर्स हैं उनके अंदर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, उनको भी पता चले बीजीएम में पबजी मोबाइल के अंदर आने वाला है इवेंगेलियन। एंड कितने लोगों ने इस सीरीज को देखा है कमेंट के अंदर जरूर बताना। एंड कुछ भी अगर आपको पता हो इस सीरीज के बारे में तो आप मेरे को इन्फॉर्म कर सकते हो कमेंट के अंदर। एंड जुजुत्सु काइसेन के तरह इवेंगेलियन के भी कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे, कैरेक्टर्स के आउटफिट देखने को मिलेगा। इसके रिलेटेड और भी इन्फो जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया फॉलो कर सकते हो, इंस्टा आईडी है rp_information। एंड जाते जाते न्यू क्लासिक क्रिएट ओपनिंग वाला वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो राइट साइड के अंदर वीडियो आ रहा होगा, आप क्लिक करके देख सकते हो।